इतलाक का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं, और भी कुछ गंभीर बीमारी आ गई, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, 10 लाख के अलावा उसमें 10 लाख खर्च होंगे, 15 लाख खर्च होंगे, वो सरकार देगी आपके परिवार को, इलाज करवा के बचाने के लिए पूरी तरह समर्पित रहेगी आपके लिए। ऐसी योजना हिंदुस्तान में कहीं नहीं। 5 लाख का चिन्ह का बीमा भी साथ में उसके अंदर है। कोई आदमी बह गए, कई लोग पानी के अंदर मद्रास में 5 लाख में मिल गए, वो बीमा भी साथ में किया हुआ है एक्सीडेंट का उसके साथ में। और जैसा अभी आपको बताया गया, तमाम महिलाओं का हम लोग जो है 1,35,00,000 परिवारों को मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री के साथ देने जा रहे हैं राजस्थान भर के। उससे आप लोग तमाम इसी में घर बैठे देख सकते हैं, घर बैठे आप सरकारी योजनाएं क्या क्या बनी है, क्या लाभ मिल सकता है आपको, आपको जानकारी मिल सकती है। टीम मित्र केंद्र में जो योजना है जाके देखते हैं, आप लोग अप्लाई करते हैं, वो मोबाइल फोन से कर सकते हैं। तो ये रिवोल्यूशन हो गया देश के अंदर, कंप्यूटर आ गए, मोबाइल फोन आ गए, मोबाइल फोन कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट सेवाएं, दुनिया भर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हम लोग, दुनिया भर की जानकारी। इसलिए ज्ञान है तो बहुत बड़ी शक्ति है वो व्यक्ति के पास में, नॉलेज इज पावर। तो मैं चाहूंगा कि हमारे लॉटरी खोलनी पड़ रही है एडमिशन के लिए, प्राइवेट में लगती 1 लाख फीस लगती है, यहाँ पर 1,000-1,500 में काम किया जाता है। आप बताइए, अभी मेरी बच्ची मेरी जयपुर बताया मेरे को, पहले मैं प्राइवेट में थी, 1 लाख की फीस देती मेरे घर वाले, अब मैं आगे सरकारी स्कूल में 1,600 रुपये मिलने लगे। और पैसा तो है, उसके अलावा बच्चे जो है 10 साल के बाद में 15 साल के बाद देखेंगे आप, छोटे बच्चे बचपन में इंग्लिश में बोलना सीख जाएंगे। तो आईटी का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, वो पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे, दुनिया के मुल्कों में, देश के विभिन्न भागों के अंदर। तनख्वाह मिलती 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ 1 साल की, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी, जापान में, हिंदुस्तान के नौजवान तेल का मसला हुए हैं। तो हम लोग क्यों नहीं हमारे गांव के बच्चों को भी तैयार करें। मैं भी बचपन में इंग्लिश के खिलाफ था, माहौल ऐसा ही था, अंग्रेजी किस काम के आएगी हमारे। आज मैं महसूस करता हूं, नहीं, अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, बच्चों की जिंदगी को बनाने के लिए, परिवार की आर्थिक स्थिति ऊपर लाने के लिए, विकास के लिए बहुत जरूरी है। और ये प्रयोग हमारा बहुत कामयाब चल रहा है, हम इसमें कमी आने देंगे नहीं। क्या मांग होगी इंग्लिश स्कूल की और खोल देंगे हम। कॉलेज हमने बहुत खोले हैं, 211 कॉलेज खोल दिए करीब, 76 साल में 1,450 खोले हैं राजस्थान में, हमने 3 साल में खोल दिए 211 कॉलेज, 90 से अधिक के कॉलेज लड़कियों के हैं, और 500 लड़के जहाँ होगी स्कूल में उसको कॉलेज बना दिया जाएगा, ये भी मैंने घोषणा कर दी। इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़े, शिक्षा का हब बनता जा रहा है राजस्थान। बच्चे में पूना और महाराष्ट्र कर्नाटक भी जा रहे हैं, जयपुर में तो कोचिंग का हब बना दिया रखे हम लोगों ने, 20,000 बच्चों को सरकार पढ़ा रही है कोचिंग के अंदर, फ्री के अंदर, जो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कम से कम उनको कॉन्फिडेंस रहे कि सरकार हमारी इमदाद करेगी। हमारा दोस्त जो है वो पैसे वाला है, वो तो कोचिंग कर रहा, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, उनके लिए भी यूनिवर्सल है। और 200 बच्चों को विदेश भेज रहे हैं हम लोग, जो प्रतिभावान बच्चे हैं गरीबों के, या जो भी मतलब जा सकता राजस्थान का बच्चा, जो 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 जिसके मार्क्स अच्छे आए हैं मेरिट के आधार पर, 200
बच्चों की फीस सरकार देगी विदेश में पढ़ने के लिए भी। कहने का मतलब है हर क्षेत्र में पानी की योजनाएं हो, जे हो, और क्या भी बड़ी बड़ी घोषणाएं चंबल हिमानी आने की भी हुई है, क्या बिजली की बात हो, किसानों को अलग भरण पेश किया हम लोगों ने, किसानों को आज इतनी राहत मिल गई है, उपभोक्ताओं 50 यूनिट हमने माफ कर दी है बिजली की, और 45 लाख ऐसे लोग हैं राजस्थान में जिनका बिजली का बिल शून्य आ रहा है, जीरो आ रहा है, ये स्थिति बन गई है। तो पानी हो चाहे बिजली हो, शिक्षा हो या स्वास्थ्य सेवाएं हो, और पेंशन दे रहे हम लोग 1 करोड़ लोगों को, बुजुर्गों को, निश्चितजनों को, विधवाओं को, मैं समझता हूँ कि ये सोशल सिक्योरिटी है, ये कोई रेवड़ी नहीं है जो कि प्रधानमंत्री जी ने कहते रेवड़ी बढ़ रही देश के अंदर। अरे भाई आज इतनी महंगाई का जमाना है, बेरोजगार बढ़ते ही जा रहे हैं, हमारा युवा जो है वो फ्रस्ट्रेशन में आ रहा है देश के अंदर, हाहाकार मच रहा है, और अगर सरकार कितनी कोशिश कर ले, आज राजस्थान में हम लोगों ने 1,26,000 नौकरी दे दी, हम लोगों ने 1,25,000 के आसपास नौकरियों के इंटरव्यू चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, और 1,00,000 की घोषणा मैंने करी अभी 22-23 बजट के अंदर। एक सीमा होती है सरकारी नौकरियों की, प्राइवेट में हम लोग इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, 7-8 तारीख को अक्टूबर के अंदर इन्वेस्ट राजस्थान हो रहा है, पूरे देश दुनिया के इंडस्ट्रीज वहाँ पर आएंगे, हम कोशिश करते हैं राजस्थान में इंडस्ट्री लगे, सब कुछ करेंगे, पर फिर भी आज महंगाई इतनी भयंकर है, कमर टूट गई लोगों की, परिवारों की। तो हम अगर योजना वेलफेयर की देते हैं लोगों को, उनके लिए होती है जो जो नीडी होते हैं, जिनको आवश्यकता होती है। इस प्रकार से हर क्षेत्र में राजस्थान आगे बढ़ रहा है, बरसात शानदार आई है, क्षेत्र साल के बाद में इतनी मानसून आया है राजस्थान में, किसान खुश है, खुशहाल बनता जा रहा है, परंतु सड़कें टूट गई है। हम प्रयास करें सड़कों की मरम्मत दीपावली तक कैसे हो, क्योंकि तो एक साथ में राजस्थान भर में सड़कें कई जगह साफ हो गई है, बहुत भयंकर स्थिति सड़कों की बिगड़ी है, इस बात का मुझे एहसास है। मैंने विभाग को कहा है कि टॉप प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, जवाबदेही अच्छा होता है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, वहाँ विकास ज़्यादा तेज गति से होता है। तो हम राजस्थान में चाहते हैं कि नेशनल हाईवे अच्छी बन रही है, स्टेट हाईवे, मेगा हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड, मिशिंग लिंक सब बना रहे हैं, तो टाइम लगता है, बनने में टाइम लगता है, हम लोग लगे हुए हैं, और दुग्ध उत्पादकों अभी मैं देख रहा था कि वो धन्यवाद देने आए हुए हैं, जैसा मुझे कहा गया, हमने 5 रुपये प्रति लीटर जो पशुपालकों को बोनस दिया है, उससे हमारे राजस्थान के पशुपालक सक्षम हुए हैं, सम्मान उनको मिला है, और लंपी रोग जो आया है गायों का, इसमें मैं समझता हूँ कि गायें तड़प के मरती है तो हम सबको दुख होता है, गाय माता का मरना किसे कहते हैं। मैं खुद परसों गया 2-3 दिन पहले अध्यक्ष जी के साथ में सीकर जिले के अंदर देख के आया वहाँ पर, वो प्रॉब्लम हमारे सबके लिए है, हम भारत सरकार के संपर्क में भी है, मैंने कहा आपको जैसे टीकाकरण हो, जैसे दवाएं आए, दवाएं होती नहीं इसकी, तो हम कोशिश करेंगे कि राजस्थान में हमारी टॉप प्रायोरिटी है, जैसे कोरोना में हमने युद्ध स्तर पर काम किया, उसी ढंग से हम लोग लंपी रोग को भी उसी गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि वो प्राणी है, वो नहीं सकता, वो तो जानकारी नहीं मिलती कि ये क्या तकलीफ होने लग गई है, इसलिए उसी ढंग से हम इनको लेना चाहते हैं। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, जो मांगा मुझसे एमएलए ने, ये आपके मंत्री जी बैठे हैं जो बहुत ही हमेशा समर्पित रहते हैं आपके लिए और विकास के लिए, कोई कभी छोड़ते नहीं है, जो मांगा इन्होंने मैंने सबको दिया, इनको मेरे ख्याल से बहुत कुछ दिया है, लंबी लिस्ट मेरे पास में भी है, पर टाइम लग जाए इसलिए मैं उसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ, बाकी तो आप देखिए कि चित्तौड़